आपने खानपुर विधायक के खिलाफ खुला मोर्चा। अक्सर विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीते रोज एवीपी पदाधिकारियों के साथ वायरल हुई अभद्र भाषा और गाली गलौज के ऑडियो के मामले में आम आदमी पार्टी ने काशीपुर में प्रेस के माध्यम से विधायक चैंपियन को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। काशीपुर में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को दबंगई का, गालियों का, विवादों में रहने का और धमकाने का, चैंपियन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते रोज एक ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते लेसर महाविद्यालय में धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होने पर उसका श्रेय खुद लेते हुए दिखाई दिए। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, वो कल हमारे प्रदेश के एक विधायक जो गालियां देने, धमकाने में, जो विवादों में रहने के जो चैंपियन रहे, कुंवर प्रणव चैंपियन, जो खानपुर विधानसभा से विधायक भी हैं, उनका कल एक ऑडियो संदेश किसी के साथ, एक कार्यकर्ता के साथ जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, और पिछले 14 दिन से एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता अपनी ही सरकार से कुछ मांगों को लेकर लक्सर महाविद्यालय के बाहर बैठे हुए थे और शिक्षा मंत्री ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली थी। उस मांगों को स्वीकार करने को लेकर जो कुंवर प्रणव चैंपियन, उस हासिल जो हुआ है, उस मांगों का जो स्वीकारोक्ति हुई है शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसका श्रेय लेने भर के लिए उन कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए गाली गलौज कर रहे थे, उनको धमका रहे थे और श्रेय लेने के लिए कह रहे थे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इस तरीके के शब्द उन्होंने जो यूज़ करे हैं आज, उसको लेकर ये थी हमारी प्रेस वार्ता थी। और इसके अलावा हम इसको लगभग 2 माह पहले भी उठा चुके हैं, जब भाजपा ने 13 माह के निष्कासन के उपरांत, जो निष्कासन भाजपा से इस विषय पर हुआ था कि उन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गालियां दे रहे थे, उसके बाद 13 माह के निष्कासन के बाद भाजपा ने उन्हें वापस भाजपा के परिवार में शामिल किया था। हम ये बताना चाहते हैं कि 2 माह के अंदर ही माफ़ी का ढोंग करने वाले कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी प्रकृति फिर से एक बार सबके सामने उजागर कर दी है, वो सुधरने वाले नहीं हैं और आम आदमी पार्टी उनको ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मांग करते हैं भाजपा को, उनको भाजपा से निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए, हालांकि ये भाजपा का ही डिसीजन होना चाहिए, पर भाजपा के ऊपर हम हमेशा आरोप लगाते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है और दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। बार बार लोगों को बरगलाने के लिए वो ऐसे संदेश प्रचारित करती है कि हमने साहब उसको, उसने माफ़ी मांग ली, उसने जो भी कुछ नाटक करके दिखा देते हैं और बाद में उसी लाइन पर वापस आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी इस उद्देश्य को लेके अगर भाजपा उनको निष्कासित नहीं करती है तो हम मांग करते हैं भाजपा से पहले तो निष्कासित करें, नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर जाएंगे और भाजपा के इस दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर करेंगे।